हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रिपरेशन मेथड ऑफ ए एलकोहल इन लास्ट क्लास वी ऑलरेडी प्रिपेयर द एल्कोहल फ्रॉम ए हाइड्रेशन ऑफ ए एल्किू डेज सेकेंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल इज फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड फ्रोम ए कार्बोनल कंपाउंड सेकेंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल इज ए फ्रॉम ए कार्बोनिल कंपाउंड विच कंपाउंड आर कार्बोनिल कंपाउंड देन डेफिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज एफ कार्बन एटम अटैच विद ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड एंड टू बैलेंसीज आर फ्री देयर ऑफ कार्बोनल कार्बन देन इट्स काल्ड कार्बोनल ए ग्रुप what is definition of carbonyl group if a two valences of a carbon is complete with oxygen atom and another two valences are free there another two valences are free there of a carbon then it's called carbonyl group it's not compound it's only carbonyl group now बोथ फ्री वैलेंसीज ऑफ कार्बोनल कार्बन कंप्लीट बाई टू हाइड्रोजन एटम देहाइड बट नेम ऑफ दिस एल डी हाइड इज फोर मेल डी हाइड फोर मेल डी हाइड और नेक्स्ट इसको तरीके से अलग तरीके से बताना चाहिए बेटा तो क्या बोलेंगे इफ्ट वन वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल कार्बन कंप्लीट विद हाइड्रोजन एटम एंड वन वैलेंसीज फ्री दियर देन इट्स कॉल्ड एलडी हाइड फंक्शनल ग्रुप एलडील ग्रुप अनदर इफ कार्बोनिल कार्बन बोथ फ्री वैलेंसी आर कंप्लीट बाई टू एलकाइल ग्रुप मैंने पीछे क्लासों में बताया आपको कि एलकाइल ग्रुप क्या होता है बोथ थ्री वेलेंसीज आर कंप्लीट बाई टू एलकाइल रूप है हम यहां तक ही इसको सीमित रखेंगे आगे हम कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पूरी स्टडी करने वाले हैं फिलहाल मैं क्या कह रहा हूं इट्स कार्बोनिल ग्रुप वन वैलेंसी कंप्लीट विद हाइड्रोजन देन इट्स एल डी हाइड बोथ फ्री बैलेंसी कंप्लीट विद एल्काइल ग्रुप है, एन इट्स ए कीटोन एल डी हाइड इट मीन बोथ एलडी हाइड एंड कीटोन आर ए कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड और बोथ एलडी हाइड और कीटोन आर ए एलडीहाइड ग्रुप ए कंपाउंड ओके बेटा नाउ इफ ए ऑफ कार्बोनिल कार्बन कंप्लीट विद हाइड्रोजन एटम देन इट्स ए वी नो एलडी हाइड ग्रुप प्रेजेंटेड सो इट्स एलडी हाइड बट ने फोर मेलडी हाइड नेम ऑफ दिसड इज ए फोर मेल डी हाइड अनदर इट्स कार्बोनि ग्रुप वन बैलेंसी कंप्लीट विद हाइड्रोजन And another valency complete with the alkyl group, then it's also aldehyde but except formaldehyde. Except formaldehyde, it's also aldehyde but except formaldehyde because R here hydrogen both have CHO and CHO functional group. It means both are aldehyde but it's a formaldehyde, it's other aldehyde. Okay, beta. कीटोन तो अब हमें जो एल्कोहल को फॉर्म करना है वो एक्चुअल में इस कार्बोनिल कंपाउंड से ही फॉर्म करना है एल्कोहल को फॉर्म करना है हमें प्रिपेयर करना है तो इन कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड से ही करना है तो देखना हेडिंग थी फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन को स्टार्ट करें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है और उस रिएजेंट का नेम होता है आर एम जी एक्स एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और इसको कॉमनली इसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएजेंट एक ऐसा है जिससे आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो कैसा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया जा सकता है और इस कंपाउंड का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसको हमें जनरली डिनोट करते हैं शो करते हैं आर एमजीएक्स से अब आर एमजीएक्स को आप अगर ऐसा लिखते हो आर को लिख दू मैं सी एस मिथाई यहां लिखा एम जी एक्स को रिप्लेस कर दिया सी एल से इट्स ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड नेम ऑफ दिस मैग्नीशियम क्लोराइड सी टू एच फाइव एम जी बी आर इट्स एल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड नेम ने इट इज ए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड सी टू एच फाइव एम जी आई Also, Grignard reagent R-Mg-X. X is halogen. X is halogen. Cl, Br, F, I. If all have negative charge, then chloride, bromide, fluoride, and iodide. X2 is halogen. X2 is halogen, for example, Cl2 is chlorine, Br2 is bromine, F2 is fluorine, and I2 is iodine. But if X2 present in X negative, then chloride, bromide, fluoride, iodide, or common name is halidine. So, methyl, magnesium, iodide, Grignard reagent, Grignard, and RMGX, all Grignard reagent. तो फॉर्म करते हैं बेटा इसे रिएक्शन ऑफ ए कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद रिएजेंट विद रिएजेंट देन एडक्ट विल फॉर्म एडक्ट विल फॉर्म एंड आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस कन्वर्ट इन एल्कोहल मॉलिक्यूल एडक्ट कन्वर्ट इन एल्कोहल मॉलिक्यूल और रिएक्शन का नेम क्या लिखा था बेटा फ्रॉम ए कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड तो क्या बोला एक बार फिर से सुनना रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड लाइक और कीटोन विद ग्रिगडा रिएजेंट देन एडक्ट विल फॉर्म एंड आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस एडक्ट प्रोडक्ट कन्वर्ट इन एल्कोहल मॉलिक्यूल इफ कार्बोनिल कंपाउंड इ कार्बोनिल कंपाउंड इज फ फोर्मेलिडी हाइड इफ कार्बोनिल कंपाउंड इज फोर्मेलिटी हाइड देन रिएक्शन विद आर एम जी एक्स से एंड हाइड्रोलाइसिस वन डिग्री एल्कोहल विल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ कार्बोनल कंपाउंड इज फॉर्मेलिटी हाइड एंड ग्रिग्नाड्रजेंट एंड हाइड्रोलाइसिस विच एल्कोहल विल फॉर्म वन डिग्री एल्कोहल विल फॉर्म नेक्स्ट इफ कार्बोनल कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर्मेलिडी हाइड अदर कोई भी एल्टीहाइड हो सकता है एक्सेप्ट फॉर्मेलिटी हाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नाड रेजेंट एंड आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस टू डिग्री एल्कोहल विल फॉर्म एंड इफ ए कार्बोनिल कंपाउंड इज कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड इज कीटोन देन विद आर एम जी एक्स एंड हाइड्रोलाइसिस कीटोन कन्वर्ट इन ए विच एल्कोहल थ्री डिग्री एल्कोहल इट मीन्स दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम दिस रिएक्शन ओल टाइप एल्कोहल में भी फॉर्म नाउ अकॉर्डिंग टू रिएक्शन वी हैव फॉर्मेलिटी हाइड मॉलिक्यूल रिएक्शन विद ग्रिग नार्ड रिएजेंट आर एमजीएक्स एक बात याद कर लीजिए बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कंपाउंड में कहीं भी पाईबूंद आपको से मिल रहा है दिख रहा है तो आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को फॉलो करना है According to electromeric effect effect, pi bond electron always transfer from less en element to more en element. So, in formaldehyde molecule, pi bond electron transfer from carbon to oxygen because en of oxygen is more than as compare carbon atom. So, oxygen atom have efficiency of electron and carbon atom have deficiency of electrons are present. And a formaldehyde molecule have charge will present. So. ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाइपोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लेसियन कार्बन टू मोरियन ऑक्सीजन सो एच ए सी ओ हैव नेगेटिव चार्ज सी हैव पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज हाइड्रोजन नाउ आर एम जी एक्स रिएक्ट्स विद ए फॉरमेल डी हाइट इन आर एम जी एक्स आर मीन ए कार्बन एंड कार्बन इज ए नॉन मेटल एंड एम जी इज ए मेटल

अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने नो एनी बाई प्रोडक्ट विल फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन फॉर्मेलिटी हेड एंड सो इट्स ए एडक्ट नाउ दिस एडक्ट रिएक्ट विद मॉलिक्यूल एच टू मॉलिक्यूल सो इट्स ए हाइड्रोलाइसिस एच टू डाउन इन एच प्लस एंड एच माइनिस इस बात को ध्यान से समझिए बेटा एडक्ट में इस एडक्ट को रिएक्ट करवाना हमें एच टू से ध्यान से कि एक जो मलिक्यूल होता है वो ऑलवेज वहां से ब्रेक होगा जहां पर से उसमें मैक्सिमम पोलरिटी होगी और मैक्सिमम पोलरिटी ऑलवेज मोर इन डिफरेंसेज एरिया से बनती है पूरे कंपाउंड में ऑक्सीजन मैक्सिमम ई एन एलिमेंट है और पूरे कंप्लीट कंपाउंड में मेटल एनजी मोर पॉजिटिव एलिमेंट या कह सकता हूं कि लिस्ट ईएन एलिमेंट है सो एमजी हैव पॉजिटिव ओ हैव नेगेटिव यहां से ब्रेक होगा ये ब्रेक होते ही एच प्लस अटैच होगा ओ से ओएल अटैच होगा एमजीएक्स से सो एच सी आर एच ओएच प्लस से एमजी एक्स प्लस से अटैच विद ओएच इट्स विच टाइप एल्कोहल आर आर सी एच टू ओ एच ओ दिस कार्बन एंड दिस कार्बन है ओनली वन साइड अनदर कार्बन इट मीन्स विच टाइप एल्कोहल वन डिग्री एल्कोहल विच टाइप एल्कोहल वन डिग्री टाइप एल्कोहल ओके बेटा नेक्स्ट हम अगली क्लास में टू डिग्री थ्री डिग्री टाइप एल्कोहल को भी पढ़ेंगे उनके रिएक्शन को देखेंगे